अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मोर पंख और चिट्ठी, इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, खत ही तो जवाब है। आप ग्रेट हो, राधा सही कहती थी कि आप अपने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, आप हमेशा उन्हें रास्ता दिखाते हैं। सॉरी, मैं गधा हूं, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। आप राधा के बाकी भी हरी जी, आप मेरे बाकी भी हरी जी, आप पूरी दुनिया के बाकी भी हरी जी। राधा को बचाने के लिए जो रास्ता आपने मुझे दिखाया ना, उसके लिए थैंक यू। पर बाकी बिहारी जी, प्लीज उस रास्ते को जल्दी बंद मत करना। मामा जी, मामा जी, आप बेस्ट। अरे आप तो बहुत ज्यादा ही पहुंची हुई चीज निकले। अभी तुम अपने मामा को जानती ही कहां हो? तुम्हारे मामा के हाथ कानून से भी आगे पहुंचे हुए हैं, किसी के भी गले तक पहुंच सकते हैं। राधा और मोहन ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत पीटा था सबके सामने, जलील किया था हमें। इसने मेरी राधा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, इसको तो जान के मार दूंगा मैं। हम चुप जरूर थे बहुत दिनों तक, लेकिन शांत नहीं थे। हम तो मौके की तलाश में थे, मौके की तलाश में, और मौका हमें मिल गया। उनके 100 वार, हमारा 1 ही वार, और वो वार ऐसा कि राधा और मोहन सिर्फ टूटेंगे ही नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और राधा के मरने के बाद मोहन जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन जिंदा लाश बन के रहेगा। मनाइए जितनी खुशियां आप दोनों को मनानी है, अच्छे से मनाइए। आज रात का समय है आप दोनों के पास, क्योंकि कल तो आप दोनों की खुशियों का आखिरी दिन होगा, और बर्बादी का पहला, क्योंकि कसम है हमें हमारे बाकी बिहारी जी की, हम और हमारे मोहन जी आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे, खास करके आपको। बहुत बड़ा हिसाब बराबर करना आप दोनों से। अरे खड़ी क्यों है, जाइए ना, हमें सोना है, समझ नहीं आता आप दोनों को। चलिए आज आगे बिहारी जी, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है, बस किसी तरह मोहन जी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि हमारे फांसी का समय बदल चुका है। हम जानते हैं वो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। बाकी बैर जी, आपको याद है ना कि जन्माष्टमी आने वाली है, आपका और मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है। पता है आप दोनों में बहुत सी चीज कॉमन है, आपका बर्थडे कॉमन है, आप दोनों का नेम कॉमन है, मोहन मोहन, और आप दोनों तो फ्लोट भी बजा लेते हो, और
एक और बात है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आप दोनों का राधा से प्यार। राधा आप दोनों की फेवरेट है ना, और मेरी भी फेवरेट है। पता है अगर रामा मेरे बर्थडे में नहीं आए तो मजा ही नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर रामा आप दोनों के बर्थडे में नहीं आए तो लगेगा ही नहीं कि आप दोनों का बर्थडे है, फील ही नहीं आएगी। सो प्लीज रामा को वापस ले आइए ना, प्लीज। पापा जो भी करने गए ना उन्हें उसमें सक्सेसफुल बना देना। हाँ बाकी बिहारी जी, प्लीज प्लीज इस बार मोहन भैया का साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बार दामिनी ने हद पार कर दी है। सो प्लीज मोहन भैया का साथ दीजिएगा ताकि वो सबूत फाइंड कर सके और राधा को फांसी से बचा सके। आप तो जानते हैं ना बच्चे दिल के सच्चे होते और उनकी तो पूरी बात मानी जाती है, वो तो भगवान का ही रूप होती है। तो प्लीज प्लीज मेरी गुनगुन की बात मान लीजिए। देखिए मैंने तो आपकी बर्थडे की सारी तैयारियां कर ली हैं। ये देखिए आपके न्यू क्लोथ्स। ये देखिए आपका न्यू आसन। ये देखिए आपका न्यू मोर पंख। और पता है उसके बाद मैं आपके लिए केक भी बनाऊंगी, उस पे लिखूंगी हैप्पी बर्थडे बाकी बहर जी, और हम सब मिलके बहुत सारे बच्चों को बुलाएंगे और फिर आपका फेवरेट सॉन्ग भी गाएंगे। कितना मजा आएगा ना। पर अगर मेरी रामा घर वापस नहीं आई ना तो आपका बर्थडे कैंसिल। ना पार्टी और ना बर्थडे गिफ्ट्स। पर अगर आप मेरी रामा को ले आए तो मैं इससे भी ज्यादा गिफ्ट्स दूंगी आपको। प्लीज प्लीज बाकी बहन जी उसे घर वापस ले आइए ना। वाह गुनगुन वाह, तुम तो बाकी बिहारी जी को रिश्वत दे रही हो बेटा। ये रिश्वत नहीं है जवाई जी, एक बच्ची का भरोसा है अपने बाकी बिहारी जी पर, एक बेटी का भरोसा है अपने पिता पर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।